ओके सेकंड नंबर का एग्जांपल देखो एक बार, सेकंड नंबर का एग्जांपल है एन आई सी एल ओ, सी एल है एन साइन हो है एन आई सी एन 4 माइनस 2 बेटा ध्यान दो, जिसने क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा है उसके बाद फिफ्थ वाला बताती हूँ, एक बार समझे किसने पूछा है, देखें ध्यान दो। हाँ भी बहुत सिंपल है, निकल को लेके आपने बताना। हाँ अब देखो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है 28 पे आता है निकल, 28 से काउंट करोगे तो 82 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ये आ गया निकल 3d8 4s 2, 3d8 4s 2 होगा। आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, प्लस 2 आ रहा है, माइनस 4 है तो मैं माइनस 2 करता कि प्लस के हो जाएंगे, तो एन आई हमारे प्लस स्टेट में इंटर प्लस क्या जीरो है, ठीक है। और अब देखो बनाओ राउंड से 1 2 3 4, ये 3 ये 4 है और ये आगे आ गई 4p। अभी और भी शानदार एग्जांपल पढ़ेंगे आप लोग खत्म में, एक इलेक्ट्रॉन की कर दे आप लोग, ये 6 ये 7 और ये आप देखो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, शिक्षा कह रही है सेकंड वाले का sp2d, sp2d क्या होता है शिक्षा, sp2d कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता बेटा, तो पी के तो केवल दो ही ले रही है और डी को ले लिया, जब तक पी के पूरे काम नहीं आएंगे ना डी कैसे आ जाएगा बीच में लास्ट, ठीक है। दीक्षा सेकंड वाला कहां हम समझ रहे, इधर देखो वो एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, इस इलेक्ट्रॉन को फिल करो, इधर फिल करते ही एक ऑर्बिटल खाली हो गया डी का, पॉसिबिलिटी लगा लिया करो हाइब्रिडाइजेशन की, पॉसिबिलिटी क्या हो मेरे पास ध्यान से सुनिए, तुम्हारा पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी है कि 4 है तो sp3 हो सकता है और dsp2, गलती से लिख दिया ठीक है, ठीक है। जब डी एस टू भी हो सकता है एस, अब मैं एक चाहिए डी का ऑर्डर करना, तो तुम पेयरिंग करवा दो, पेयरिंग करवाते ही तुम्हारे पास में ये डी का एक का कैर होगा, तो ए डी का एक एस का और डी कितने लोगे क्या 2, तो हाइब्रिडाइजेशन का आंसर होगा डी एस टू को मैग्नेटिक करेक्टर होगा डायमैग्नेटिक, यू की वैल्यू होगी 0, इससे हो गया 2। वैसे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अपन पीपीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्पिन नहीं बता, ठीक है, क्यों नहीं बताते, 6 के लिए बताते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्पिन नहीं बताते, वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि भी अपन लिमिटेशन ऑफ पीपीटी पढ़ेंगे, उस लिमिटेशन ऑफ पीपीटी में आएगा कि पीपीटी ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए स्पिन नहीं बताया, ठीक है। आगे बात सुनिए, कई आपके पास में एग्जांपल ऐसे आएंगे जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी हाई स्पिन बनता है, कईयों में हाई स्पिन सिस्टम की अपने को पता है कि लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्पिन कैसा बनेगा, लो क्यों, क्योंकि वो पेयरिंग कर देगा, समझ में आ गई बात। अब देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये हो गया सेकंड, अब किसमें दिक्कत आई थी तुम्हें, फिफ्थ वाले में बोल फिफ्थ एग्जाम्पल क्या है, NiCO4, इसी में समझो सभी बच्चे, इसी एग्जांपल में समझो NiCO4 वो कोई मेटल है अपने पास में निकल, देखो चेंज क्या हो गया उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक बार ध्यान से सुन ले, जब भी कभी कार्बोनिल, मैंने आपको पहले भी बताया था आज की इसमें कि कार्बोनिल लिगेंड अगर किसी मेटल के साथ में केवल अकेला कार्बोनिल जुड़ा हो, ठीक है, तो कार्बोनिल में स्पेशल दो कैरेक्टर है बेटा, एक उसमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्डिंग है, दूसरा क्या है न्यूट्रल है, तो ऐसा लिगेंड जिसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्डिंग होती है और साथ में वो न्यूट्रल नेचर का है, अगर वो किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ में बॉन्डिंग बनाता है तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज 0 होगा, समझ में आई बात, 0 आएगा मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ देखो 0 ही है, समझ गए। आप देखो तुम निकल के बाहर निकालोगे क्या आएगी, ये का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा, अब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 है तो ये का ये रह जाएगा बेटा, ग्रुप का है, अब अपन इलेक्ट्रॉन कम नहीं कर सकते इसमें, 3d में भी 8 है, 4s में भी कितने है 2 है, समझ गए, ग्राउंड स्टेट ले ली है, अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 भरो यहां, 2 खाली थोड़ी
करवाएगा तो देखो कैसे पेयरिंग होगी, इस इलेक्ट्रॉन की इधर हो गई पेयरिंग, ये खाली हो गया। अब s के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, 3d में। समझ में आ रही बात, s के पीछे आ गए। अरे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में एक्साइटेड स्टेट में कहां जा रहा है, हाई एनर्जी लेवल से कहां आ रहा है, लो एनर्जी। तो 4s की एनर्जी हाई है 3d से, तो 3d के अंदर आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो पीछे की तरफ जाएंगे ये। तो टोटल आपके पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 की तरफ 3d में आ गए। समझ में बैठ गई क्या बात, ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का आंसर क्या आ रहा है, sp3। समझ में आ गई बात, इसका आंसर आएगा sp3। और किसी ने आंसर तुमने तो शायद dsp बताया था, sp3 बताया था, फिफ्थ का आंसर है sp3 आएगा। बैठ गई क्या बात समझ में। अब और देखो एक एग्जांपल और कहा था मैंने शायद फोर्थ वाला कर लिया था क्या सबने, फोर्थ वाला। मैं एक बार फोर्थ का तुम्हें तो मैंने क्या ऑक्सीडेशन नंबर शायद प्लस 3 दिया था, हिंदी मीडियम में मैंने अलग दिया था प्लस 2 लगा के, कंफ्यूजन दूर करे बेटा। अब तुमने ये मान लो बहुत अच्छे एग्जांपल सॉल्व किए हैं, और बहुत सारे एग्जांपल तुम्हें देने वाले, कम से कम मैंने कहा था 10 एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, डीसी करनी नहीं जाएगी, लाइफ टाइम माइंड में बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपने अगला है वो देखो, सिप्ला क्या पूछ रही है, मैम सीओ को स्ट्रॉन्ग, सीओ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है बेटा, कार्बोनिल तो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भी पूछ रही हो दिव्या। सीओ एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड काम किया है मैंने कौन से एग्जांपल में बेटा, दिव्या कौन से एग्जांपल के लिए कह रही है, सीओ तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, सीओ स्ट्रॉन्ग है, सीएन स्ट्रॉन्ग है, एनएसपी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ही है तीनों एग्जांपल नंबर 5 में। हां तो स्ट्रॉन्ग था जब तो अपन ने पेयरिंग करवाई थी, तूने फिफ्थ एग्जांपल का ही पूछ रही है, फिफ्थ एग्जांपल में मैंने पेयरिंग करवाई है ना, देखो कहां नहीं करवाई था, ये कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है जब तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉनों को किस पे मर देगा, 3d में मर देगा। समझ में आ गई बात, अपने यही तो किया है, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग है तो अपन 4 3d के अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे 4s। समझ में बैठ गई बात दिव्या, ये तो है फिफ्थ एग्जांपल NiCO4 वाला, CrCO वाला है फिफ्थ एग्जांपल, Cr वाला करवा रहे हैं ये, पूछ लिए हुआ है। अब देखो एक एग्जांपल आपको ये दिया है, देखो बोर्ड पे ध्यान से, दिव्या आ गया क्या तुम्हें फिफ्थ एग्जांपल समझ में, कौन सा है NiCO4 वाला, तो ये NiCO4 वाला है तो पूछ रही है, फिफ्थ एग्जांपल नहीं समझ में आया, NiCO4 वाला नहीं आया, दोबारा देख क्या दिक्कत है, ये देख ली दिक्कत है
लेते थे। आ गया, ठीक है आ गया। आप देखो इस एग्जांपल में देखो, इसमें क्या करना है कुछ नहीं, ध्यान से सुबह को मैंने प्लस थ्री लगा के दिया था, प्लस टू लगा के दिया, उसमें फिर तुम्हें तुम्हारा ज्यादा ही जीवन गया, उनका थोड़ा सा दिमाग लगाने का हो गया। देखो सीआर को बाहर निकाला सबसे पहले काम, तो क्रोमियम आता कितने नंबर पे, 24 पे, 24 पे आता है। ये अगर वो साइंस के लिए बात करे, ये रहा देखो 24, 24 का 40 कितने लिखते हैं, 5 को कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं, बताएगा मैंने 4 और उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला जाता है डी, जिससे डी हो जाती है हाफ पे। समझ में बैठ गई क्या बात ढंग से? अब देखो अब 4 देखा प्लस 3 आ रहा है, तो सीआर प्लस 3 बना के छोड़ दिए 5 और ऊपर, तो 5 और 3d से लेके 4d 5d और सारे की होते कौन से थे, इसलिए इसके नीचे लिखना जरूरी है। ये 3d है, ये 4 है सर, और उसके आगे क्या आती है 4d, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो तीनों, ये बन गए तीनों इलेक्ट्रॉन। अब मेरे भाई ध्यान से सुनिए, ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम था पेयरिंग करना, यही सोचा है तुमने, तो ये पेयरिंग करवा देगा मैडम। ये और कहते हैं नए हाइब्रिडाइजेशन की खोज कर देते हैं। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6, पॉसिबिलिटीज में मैंने तुम्हें इसीलिए बताया था कि नंबर दे के पहले पॉसिबिलिटी लगा लिया करो, इससे कितना आपको दो ही राय के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, या तो sp3b2 या d2sp3। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है कि ये स्ट्रांग है, स्ट्रांग होगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन आएगा d2sp3। मतलब डी की कितने खाना चाहिए, तो वो ऑलरेडी वैकेंट है ग्राउंड में ही, तो तुम यहाँ पेयरिंग नहीं कराओगे। अपन पेयरिंग क्यों कराते हैं, जब डी के दो खाने नहीं होते तब कराते हैं। समझ में बैठ गई ना बात ढंग से, डी के अगर दो वैकेंट नहीं हो जब आपको पेयरिंग करवाते, यहाँ पर डी के दोनों पहले से ही वैकेंट है, कोई पेयरिंग नहीं होगी। समझ गए? अब देखो अपन ने इस बीपीटी में, अपन ने क्या बीपीटी में क्या कहा था कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो स्किन कैसा बनता है, ग्लो कहा था मैंने तुम्हें कल, तो देखो यहाँ तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है फिर भी स्किन कैसा बनेगा, फाइव, क्योंकि ये बंदे कम किया ही ना है, जब तीन ही है अभी तीन का पूरा। समझ में बैठ रही है ना बात, डाउट क्लियर है बिल्कुल, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि पहले से ऑलरेडी दो ऑर्बिटल प्रेजेंट है, लिगेंड अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करेंगे। बैठी है बात समझ में, ठीक है, दिक्कत है किसी को कोई, ठीक है एक बार हम खुला कर रख दीजिए इसको, स्क्रीन में आगे के बेटा बात समझ में, दीक्षा शाम आगे में किसी को प्रॉब्लम है? एक बात और सुनो, इसी एग्जांपल में देखो ध्यान दे, तनु दीक्षा देखो बेटा, इसी एग्जांपल में मैंने और अगर यहाँ काम कर दिया प्लस टू, समझे इस चीज को, प्लस टू करते एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डी में कितने बचेंगे, फोर, ये अब फोर हो गए। तो अब क्या करोगे इसमें ध्यान से, अब तुमने देखा वही स्ट्रॉन्ग लिगेंड है मेरे पास, तो अब अपने को इधर देखो बोर्ड पे डी का भी और ए के वैकेंट है, मुझे डी के कितने वैकेंट चाहिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, दो चाहिए मेरे, तो मैं इसको उठाऊंगी यहाँ से एक केवल इलेक्ट्रॉन को, केवल एक उठा करके उसकी पेयरिंग करूंगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू होंगे, मुझे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। समझ में आ गई बात? आ रही बैठने के बाद समझ में, एक बार और समझ ले, मैंने यहाँ चार्ज कर दिया प्लस टू, प्लस टू करते ही बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से चार हो चुके, ठीक है। अब ये फोर इलेक्ट्रॉन तुमने ऐसे बना दिया ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड हो गई, अब बनाएगा एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में मैं फिर पॉसिबिलिटी लगाऊंगी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है हाइब्रिडाइजेशन दोनों में से। अब मेरे पास सेकंड कितना है ग्राउंड में, एक, तो मैं एक को उठा कर केवल एक को उठा कर यहाँ पे भी करूंगी, ताकि मेरे पास कितने खाली रहेंगे, दो खाली। आगे बात समझ में, ठीक है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग बन जाएगी,
होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे दो. ओके क्लियर है? क्लियर है तो मुझे अभी एक एग्जांपल करके दिखाओ तो मुझे पता चल जाएगा. अगर आपने सही कर दिया तो रफ कॉपी में अभी सॉल्व करें, मुझे अभी आंसर चाहिए. अगर आपने कर लिया डन कर दे. देखो नेक्स्ट नंबर सॉल्व करें. करोगे ये सॉल्व? NiNS3 6 हेक्साएमाइन निकल सेकंड आयन है ये. करो फटाफट. sp3d2 आ रहा है. बोलो sp3d2 आ रहा है क्या आंसर? श्याम, हर्ष आ रहा है बेटा. तो पता चल गया तुम्हें स्ट्रॉन्ग लिगैंड था तो भी अपन ने कभी पेयरिंग नहीं कराई. sp3d2 दिव्या, dsp2 कहां से आ गया इसमें? मुझे लग रहा है दिव्या को कम आई है बात समझ में. हाँ किस चीज के लिए ब्रेक कम आई है बात समझ में? इस बात के लिए स्नेहाशीष. यस मैम डन. देखो आप सुने मेरी बात तो इस एग्जांपल से क्लियर हो गया कि अपन स्ट्रॉन्ग होने के बाद में भी पेयरिंग तभी कराते हैं जब अपने पास में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना होना चाहिए. मैंने 4 देखा. ठीक है तुमने 4 देखा तो गलत देखा ना. एग्जाम्पल तो हमसे देखो यहाँ पे ना आप देखो तो एक उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है जब एनसीईआरटी का सिलेबस था 2015 राजस्थान बोर्ड के लिए क्या निकल ऑलवेज फॉर्म आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स. Why nickel always form outer spin complex? Why ligand strong as well as weak ligand? ये कह रहा है कि अगर nickel में चाहे strong ligand हो चाहे weak हो, लेकिन nickel always कैसा complex बनाता है outer spin. मतलब चाहे coordination number 6 में, okay coordination number 6 हो, तो nickel में चाहे strong ligand हो चाहे weak हो, वो ऐसा हो. इसमें हमेशा outer spin ही बनेगा. मतलब sp3d2 ही आएगा. जिसका रीजन ये होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए जब तुम इसे बनाओगे पूरा एनआईटी प्लस कर दे तो तुमने क्या देखा था कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. जब तुम एक इलेक्ट्रॉन को देखोगे ग्राउंड स्टेट में तो मेरे पास ये सिचुएशन है कि अगर मैंने स्ट्रॉन्ग लिगेंड समझ के इसको पिन भी कर दिया तो लिगेंड आर नॉट सफिशियंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन. तो फिर सफिशियंट कहाँ है? केवल कितना लिगेंड होगा? ए. तो एक थोड़ी चाहिए मुझे. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कितने चाहिए? तो लिगेंड सफिशिएंट ऑर्बिटल यहां सफिशिएंट नहीं है इसीलिए स्ट्रांग लिगेंड भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं. अरे जो काम हो ही ना कंप्लीट उसमें क्यों एनर्जी खराब करूं? तो यहां चाहे एमाइनस है चाहे एक्वा जाए एक्वा भी पे एमाइन स्ट्रांग है तो भी हाइब्रिडाइजेशन का आंसर सेम. लैंडिंग के वास्तव में सब सेम होगा. यहाँ निकल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 6 में केवल 6 में ध्यान रखना. फोर्थ में तो हो जाएगी फिर क्योंकि फोर में तो डी का कितना वैकेंट चाहिए? एक. वो तो कर सकते हैं पर एक दो नहीं कर सकते. अब एक एग्जांपल लास्ट एंड फाइनल है मेरी तरफ से. अगर वो तुम लोगों ने कर दिया तो ये मान लो डिग्री की मैं आप लोगों को कोई मार्क नहीं कर सकता. एमएससी का ये चैप्टर 9 में ये मान लो इसमें कोई मार्क नहीं कर सकता. लास्ट एग्जांपल है लेकिन कितना सही कर पा इसका आंसर बताना है मुझे. प्लस 2 है 4 CU NH3 है NH3 4 टेट्राएमीन नाम बोल देती हूँ मैं अगर नहीं दिखता तो टेट्राएमीन कॉपर सेकंड आयन. आंसर बताएं मुझे.
भाई चार देख लिया तुमने तो आंसर यहाँ तो एस टी आएगा या फिर डी एस टी को आएगा, तो मैं एस टी को एक नंबर दे रही हूँ, डी एस टी को दो नंबर। तो मुझे तुम सॉल्व करने के बाद बताओगे एक नंबर वाला आंसर आया है दो नंबर, ऐसे टाइप करो, डन भी मत लिखो, वन नंबर आंसर है कि टू नंबर आंसर, वन नंबर दिव्या के वन नंबर आंसर। देखते जाओ फटाफट सॉल्व करके बताओ। मैंने कहा था मैं सेंटेंस जो देखती हूँ ना तगड़े वाले कोई मार्क नहीं कर सकता, ये मेरे सेंटेंस के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा होता है मान। SP3 और कोई फटाफट आंसर देते जाए, 20 बच्चे क्लास ले रहे हैं, सियासी वन नंबर जल्दी जल्दी ताकि मैं देखूं शाम वन नंबर, मोहित वन नंबर का आंसर, अंकित का भी वन नंबर, और मैं वेट कर लू दीक्षा वन नंबर, हर्ष सिद्धार्थ सलोनी एक नंबर आ रहा है सबका आंसर, तनु कीर्ति कोई ऐसा भी है क्या जिसका आंसर टू नंबर आ रहा है, सबका ही बना रहा है, सबका वन नंबर आंसर आया, अच्छा सबका वन आया तो हो सकता है भाई सब कह रहे हैं तो सही होगा। मरियम की भी है क्या तुम्हारी क्लास में? हाँ भाई अब मेरी बात ध्यान से सुन ले, तो ये तो मान लो बेटा तुम मैं तुमका और तुम मेरे पे नहीं हो सकते ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्लास आओगे ना तुम यहाँ बाहर निकाल के मार मार कर तुम लोगों की आदत करा दो ठीक है, किसी को कुछ नहीं आता वो तुमसे एक्टिविटी का टॉपिक डिस्कस हो रहा है, अभी कम से कम 20 मिनट की क्लास हो चुकी है उसमें तुम्हें मैंने यही चीज बताया था कि रिक्वायरमेंट कितनी होगी ना, कितने और बड़े प्रेजेंट होंगे, जब तो बात था कि इसको तुमने समझ लिया, एग्जाम्पल क्लास था मेरी तरफ से सबका गलत है किसी का सही नहीं एक का ठीक है, एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसका एग्जाम्पल ये सही है, आप समझे मेरी बात ध्यान से, सीयू आया सारे फेल है लोगों का कैसे कॉलेज में डर हो गया पड़े पड़े का ऊपर कहां का है 29 पे सीडी टैग और एस1 देखना ध्यान से, सीयू ऑपरेशन नंबर कितना है 2 प्लस है, तो सीयू 2 प्लस स्केल में देखना है सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, मैंने क्या कहा था 4 वाले में वो जो दो लिखे हुए ना 1 और 2 वो पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन समझ गए, तो अगर 6 होता कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 6 होता ना अपन थ्योरी नहीं तोड़ सकते समझ में आ रही बात ना, इसको दरियाया कर सकते हैं कि फेर है पहले से, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मुझे डी का कितना आना चाहिए मेरी बात ध्यान दें, ये एमी क्या करेगा, ये एमी इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा यहाँ से निकाल लेगा, और इसको पता है कि मैं इसको फ्री में नहीं कर सकता, तो बेटा ये इस इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाएगा जहां ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन में रोल है, बैटरी की बात समझ में, देखो उठाया इसको तो उठाते डी का एक है, अपन ध्यान से सुन लो कभी तेरी नहीं हो सकती आप लोग को नहीं हो सकते ठीक है, ये कभी सब ये नहीं कभी कम दो दो इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि पेयरिंग को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए समझ में आ रही है बात, जो अपने पास में होती नहीं है इतनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना बहुत आसान होता है, इतनी एनर्जी होती है किसी भी एनर्जी का, तो देखो ये तो सारे ऐसे समझ गए, इसको निकाल लिया ये खाली हो गया, फिर आ गया हमारा 4s और अब आ गया तुम्हारा 4p, अब देखो एक चार एक दो
में आगे बात ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के पीछे एंड पे जाएगा वहां पहुंच जाएगा जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं आगे के बात बैठे के कुछ ढंग से समझ में बहुत फेमस एग्जांपल है ये डार्क ब्लू कलर का होता है डार्क ब्लू कलर अभी हमने आगे की थ्योरी आने वाली है उसमें हम कलर एक्सप्लेन करेंगे बीपीटी ने कहा इस कॉम्प्लेक्स का कलर डार्क ब्लू होता है जिसका रीजन ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल 3d से क्रॉस होके कहां जा रहा है हाई एनर्जी लेवल श्याम क्या कह रहा है मैम पता कैसे चलेगा कि यहां पर यही होगा बेटा श्याम पता ऐसे चलेगा कि तुम ये देखो कोऑर्डिनेशन हमारा 6 होगा यहां तो इसका कुछ नहीं हो सकता भाई ये नहीं रहेगा क्यों क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसको उठा भी लूं ये a ही खाली हो जाएगा मुझे d के दो खाली चाहिए तो नहीं हो सकते a कभी नहीं होंगे अब तुम क्या करोगे ध्यान दे इसको भूल जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा d का इलेक्ट्रॉन d में पड़ा रहेगा लेकिन यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये पॉसिबिलिटी है मेरे पास दोनों जब तक तुम्हारे पास डी में अकेला इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और एगेन अगर स्ट्रॉन्ग आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो वो हटेगा वहां से अगर डी का गया तो पॉजिटिव होगा sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन लेकिन एगेन स्ट्रॉन्ग है तो उस इलेक्ट्रॉन को नहीं रहने देगा वहां तो उसको उठा करके वहां ले जाएगा जहां पर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं समझ में बैठ रही है बात आइए ढंग से समझ में इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और मेरी बात सुनिए पूरे जो अपन डाउट क्लियर करते हैं श्याम ध्यान से सुन हाइब्रिडाइजेशन sp2 शेप होगी स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार लिगेंड लगेंगे थर्ड इसका मैग्नेटिक करैक्टर कैसा होगा बताओ पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि इसको पेयर तो नहीं किया है मैंने किसी के साथ इसको उठा करके मैंने आगे शिफ्ट किया है पैरामैग्नेटिक फोर्थ नंबर म्यू की वैल्यू ए होगा एम की वैल्यू क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन अभी भी है कि वो पेयर थोड़ी हुआ है इसमें हाई का हाई रहेगा क्योंकि पेयर इंटरफेस के स्पिन को मैंने कम नहीं किया ठीक है आगे के बाद समझ में क्या होगा ठीक है दीक्षा वापस बता दो एक बार और देख बेटा हाँ स्नेहाशीष क्या कर मैम ऐसा और भी कोई एग्जांपल बेटा बहुत सारे हैं वैसे हालांकि अपने कोर्स में केवल आपके लिए एक ऐसा दिखा रही हूं मैंने तुम्हें बता दिया 6 रख के भी कंडीशन बता दी है 4 रख के भी बता ठीक है कीर्ति मैम n की वैल्यू कैसे पता चलती है कीर्ति n की वैल्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें ग्राउंड में नहीं देखने होते कभी एक्साइटेड में देखने कि एक्साइटेड में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं सब पेयर है अनपेयर इलेक्ट्रॉन ओनली अपना कितना है तो n की वैल्यू 1 है तो रूट n n प्लस 2 के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा यहां पे 1 1 प्लस 2 तो हो जाएगा 1.732 pm ठीक है आगे बात समझ में रूट 3 आएगा फिर इसका आंसर अब स्नेहाशीष बेटा ध्यान दे ऐसा हालांकि अपने पास एक एग्जांपल का यही केस है बाकी अभी देख इसके अलावा देखो इसका जो नंबर है केस ऐसा केस है ध्यान रखो लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है जब तक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा पॉसिबिलिटी बी का यदि अपने को एक खाली मिलता है तो अपन करना ही कुछ नहीं खाली अनपेयर है अगर पेयरिंग ही है ना जब वो बेटा कोई तोड़ नहीं सकता फिर तो पेयरिंग को तो अपन तोड़ ही नहीं सकते जैसे देखो मैं एग्जांपल दूं मैंने कॉपर किसके जीवन बढ़ा दी सेम एग्जांपल है कोई चेंज नहीं किया अब देखो तुम लोग 3d में कितने हो गए 10 4s 2 यहाँ पर प्लस 2 स्क्वायर है प्लस टू होते हैं थ्री में कितने होंगे टेन के टेन से जाएंगे समझ गए फोर एस हो गए जीरो आप एक टेन का मतलब कितना बड़ा है थ्री आप मैं इसका कुछ नहीं कर सकती चाहे एमीन आ जाओ चाहे चार कोऑर्डिनेशन नंबर हो चाहे छह क्यों नहीं कर सकते ये थोड़ी है दो दो को उठा के बेस भी कर रहे दोनों के दोनों पेयरिंग में है अब पेयरिंग को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी चाहिए क्यों क्योंकि स्पिन होता है अपोजिट होते हैं स्टेबल स्टेट में तो नहीं ब्रेक कर सकते तो अब बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती
एक इलेक्ट्रॉन अगर होता उसको बना के लेता सकते थे तो वो नहीं, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का आंसर क्या आएगा, तो ऐसे ही आएगा। बैठ गई क्या सभी बच्चों के दिमाग में बातें? यस, तो मेरी बात ध्यान सुन लो, पांच एग्जांपल नोट करो फटाफट। अगर सारे एग्जांपल तुम्हें समझ में आ गए, आज मैं नोट्स दे दूंगी पीपीटी के, तो वो आप लोग पेयर में काम करेंगे। एग्जांपल खुद को पेयर कॉपी पे करना है, पेयर में काम खुद ऐसा होना चाहिए जैसा मैं बोर्ड पे करवा दूं, पूरा ग्राउंड एक्साइटेड सब कुछ होना है। समझ गए? दो मिनट है, जल्दी से एग्जांपल नोट कर लें। अगले पांच एग्जांपल रेडी होंगे तुम्हें? सभी ने करके पांच एग्जाम्पल। ये जिंक वाला बताओ, कीर्ति अभी बताया था जिंक वाला बनाना, आंसर मैंने ऐसे ही बता दिया उसका, ठीक है? जिंक में बेटा ठीक है, जिंक का ही नाम कर लो, तुम्हें कॉपी पे करना है प्लस टू से। अभी जो मैंने करवाया है इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फोर वाला, वो भी कर लिए सारे, कल के पांचों और आज के पांचों पेयर को तुम्हें कर लिए। बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, आंसर देखते ही दोगे। फर्स्ट का आंसर SP3 आएगा, इसका DSP2 आएगा, इसका D2SP3 आएगा, इसका SP3 आएगा आंसर, और इस लास्ट वाले का D2SP3 आएगा, ठीक है? लिख ले, तुम्हें पेयर कॉपी में सब बनाना है, शेप वगैरह, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन सब लिखने, ओके? ठीक है, और बाकी थ्योरी जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी। पहले पीपीटी की थ्योरी लिखेंगे, उसके बाद में आप लोग एग्जांपल सॉल्व करें, ठीक है बेटा? मैम जल्दी सेंड करना, जल्दी सेंड करूं, ठीक है बेटा?